उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव के रोड शो के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगा दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए और अभद्र नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अखिलेश और डिंपल यादव के रोड शो के बाद मैनपुरी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया। विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति की धुलाई की और समाजवादी पार्टी के झंडे हटाए। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 100 से ज्यादा एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज उनकी देखी गई है, तहरीर एक प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूरी विवेचना और छानबीन करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरकत के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायक, उसकी मूर्ति पर कल सारा उनका अपमान करने का काम किया है, गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है और जो अपमान किया है वो समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। इधर महाराणा प्रताप के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने रोड शो किया था और महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की थी। इसके दो दिन बाद ही मैनपुरी में इस तरह की घटना घटी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने भी महाराणा प्रताप के अपमान पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जिस प्रकार से राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर चढ़कर इन्होंने उसे कलंकित करने का काम किया, उसे निश्चित रूप से ये निंदनीय है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार के दबाव में पुलिस ने बदायूं से उनके 40 कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया। और कन्नौज में भी देर रात एक होटल में छापा मारकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कमरों की तलाशी ली गई। जिस होटल में ये एसपी कार्यकर्ता रुके थे, पुलिस अचानक वहां पहुंची और कमरों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सामान की भी तलाशी ली। शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिलाधिकारी और चुनाव प्रेक्षक से मिलकर मामले की शिकायत की। करीब 40 लोगों को उठा लिया है और इन्होंने 31 लोगों को मूसा जहार कोई थाना है उसमें जेल भेज दिया है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस जबरन उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि तुम बूथ पर नहीं जाओ, वोट नहीं डालोगे, एजेंट नहीं बनोगे। शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत करने की बात भी कही। इस बीच शिवपाल यादव का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें फोन पर वो बदायूं थाने के किसी पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि शिवपाल ने फोन पर धमकी दी कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं गया तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने पर लाकर बिठा देंगे। अधिकारी जो कर रहा है और उसका नाम बता दो मुझे, तो उससे बात करने में उससे हम बात कर ले, नहीं तो फिर हमें अपने लोग सब बुलाना पड़ेंगे, हमें बुलाना पड़ेंगे, सब थानों पे हम बैठा देंगे सब लोगों को। हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव हो गए और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक हम सभी थानों पे बुला के बैठा देंगे। फिर आपको और नहीं तो फिर आपको आप लोगों को हटना ही पड़ेगा। फिर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे हफ्ते भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन के जरिए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पैदल चलकर पार्टी नेताओं ने जेल का जवाब वोट से देने की अपील की। इस दौरान बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वोट से, जेल का जवाब, वोट से, जेल का जवाब, वोट से।
इस दौरान पार्टी का झंडा, बैनर और पोस्टर हाथ में लिए वॉकथॉन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने पीली रंग की टी शर्ट पहनी थी। वहीं पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर थी जिसमें उन्हें न्याय दिलाने की बात लिखी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब दिल्ली की बारी है। हम सबको तैयार होना है, सबको मजबूती से खड़ा होना है और 25 तारीख को जेल का जवाब कोर्ट से देना है। पैदल मार्च में शामिल नेताओं ने दिल्ली में जीत का दावा भी किया। आम आदमी पार्टी ने इस पैदल मार्च से पहले मंच पर एक वॉशिंग मशीन का कटआउट लगाकर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के साफ सुथरे होने का एक नाटक भी किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विपक्षी दलों के नेता जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनके सारे आरोप साफ हो गए। विश्व शर्मा कितना भ्रष्टाचारी है, और जब उनकी पूरी कैंपेन हो गई, सीबीआई की, ईडी की जांच शुरू हो गई, तो फिर हेमंत बिस्व शर्मा मोती वॉशिंग मशीन के अंदर चले गए और ये ऐसे धुले कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर भी निशाना साधा गया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन्हें सीबीआई ईडी से फौरन क्लीन चिट मिल जाती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट से देश की सियासत में हड़कंप मच गया। लालू यादव ने ट्वीट करके अपने समर्थकों से कहा कि ये चुनाव मरने का नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने 2024 में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद देश में 10 परिवर्तन होने के संकेत दिए, जिस पर हड़कंप मच गया। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि अगर मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म कर देगी, मोदी सरकार आई तो नौजवान बिन रोजगार मर जाएगा, मोदी सरकार आई तो 10 सालों में जितनी नफरत नहीं बढ़ी उससे ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी। लालू यादव का ये ट्वीट जैसे ही सामने आया सियासत में मानो भूचाल आ गया। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान सामने आए और लालू यादव के इन आरोपों पर जवाब दिया। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं थमा, तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर ही सवाल उठा दिए और 10 साल के काम का हिसाब मांगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी आप अपने 10 सालों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर संविधान और आरक्षण खत्म करने के भी आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। खाली डर दिखा करके सबका आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। एक व्यक्ति को लालू प्रसाद जी ने 15 साल के शासन में एक आरक्षण नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बेवजह की बात करते हैं, जबकि उन्हें संवैधानिक पद पर रहते हुए केवल काम की बात करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिनमें मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव से है, जबकि मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से टक्कर है। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को बीजेपी के जयवीर सिंह से चुनौती मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट भी काफी अहम है, जहां से बीजेपी के एसपी बघेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र कर्दम से है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहरामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, जबकि टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। कल हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करते नजर आए। जो ऑपरेशन कल शाम से शुरू हुआ है, लगातार अलग अलग इलाकों में तलाश जो है वो आतंकियों की जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाई एंड गैजेट्स के साथ जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ जो सटे इलाके हैं उन्हें यहाँ पर खंगाला जा रहा है। एक दिन पहले आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले को निशाना बनाया था। आतंकियों की गोलियां वाहन के सामने और साइड वाले शीशे को पार कर गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हमले के बाद ये आतंकी पुंछ के आसपास स्थित घने जंगलों में छिप गए।
घना जंगल होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज है, क्योंकि आतंकी लगातार अपनी मूवमेंट जो है वो बदलते रहते हैं, अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं मूवमेंट करते हुए। इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आतंकी जो है वो छुपते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों से बचने के लिए जंगलों में छिपे आतंकी बार बार अपना लोकेशन बदलते रहे, और यही वजह रही कि इन आतंकियों का पता लगाना सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था, जिसके बाद जवानों ने आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहारा लिया, और आतंकियों की तलाश में यह हेलीकॉप्टर जंगलों के ऊपर मंडराता दिखाई दिया। इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई। किस तरह से ऑपरेशन जो है वो सेना का जारी है, इसी बीच अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी जो है वो यहाँ सुरक्षा बलों द्वारा ली जा रही है। पुंछ के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनकी तलाश में जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे नजर आए। तो वहीं हाईवे पर नाकाबंदी कर वहां से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली गई। साथ ही हमले के बाद पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, जिस पर बीजेपी भड़क गई। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता ऐसा बयान देते हैं जो दुश्मनों को अच्छा लगे। इनके बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले होते हैं और ये हमेशा भारत के बहादुर जवानों की शहादत का अपमान करते हैं। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, इस स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इस बीच पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का भरोसा दिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने पुंछ में हुए आतंकी हमले को केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? कैसे सीना ठोक ठोक के कहते हैं अमित शाह जी सब कुछ नियंत्रण में, हमारे जवान की शहादत हो और तब कहे नियंत्रण में। जबकि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने चुनाव से पहले हुए आतंकी हमले पर सवाल उठाए। ये क्या है, आप हमको बताओ ना, चुनाव के समय ही क्यों, अगले बार भी पुलवामा, फिर ये घटना, ये सब कुछ डाइल्यूट करने के लिए। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो गायब गायब कोशिश करता रहता है ऐसा आतंक फैलाने की, लेकिन इसके इस जवाब को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किडनैपिंग केस में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु से हिरासत में ले लिया। एचडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही एसआईटी की टीम एचडी देवगौड़ा के घर पहुंची और एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया। दरअसल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं। बीते गुरुवार को मैसूर की एक महिला ने एचडी रेवन्ना पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में अभी भी देश छोड़कर फरार है और माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही प्रज्वल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ बड़े कदम उठा सकती है। इसी बीच खबर सामने आई कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया गया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस मामले में बातचीत की और इस केस से जुड़ी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सीएम सिद्धरमैया एक्शन में आ गए। उन्होंने बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। The law will take its course. See, we are in the election campaigning. I don't know what SAT is doing. I have not heard of it. Only I am just looking at the newspaper. Apart from that, I don't know. But law will take its own course. इस बीच कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस की पीड़ित महिलाओं को सिद्धरमैया सरकार ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
जिसकी घोषणा कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मौजूदगी में की। बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम जल्द ही एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। मध्य प्रदेश के शहडोल से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। अवैध रेत से लदे ट्रैक्टर चालक ने एक एएसआई को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये घटना उस समय घटी जब एएसआई महेंद्र बागरी दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि उन्होंने अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही एएसआई को अपनी ओर आते देखा तो वो गाड़ी से कूदकर भाग गया और ट्रैक्टर एएसआई के ऊपर चढ़ गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहर? ये कानून है आपके प्रदेश का? वही पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही प्रशासन ने रेत माफिया सुरेंद्र सिंह और ट्रैक्टर चालक राज रावत कोल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। अगर आप अक्सर दूसरे बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एटीएम पर आने वाले खर्च या लागत पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, जिसके तहत दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकालने या लेनदेन करने पर लगने वाला इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर आपको इंटरचेंज शुल्क के तौर पर 20 से 23 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पहले यह शुल्क 15 रुपए प्रति लेनदेन था, जिसे 1 अगस्त 2021 में बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया था। वहीं खबर यह भी है कि एटीएम से ज्यादा नकद निकालने पर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में एटीएम की कमी है वहां शुल्क कम रखने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि डीबीटी के लाभार्थी आराम से पैसे निकाल सके। दरअसल हाल ही में एटीएम उद्योग परिसंघ और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक बैठक हुई, जिसमें इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद इंटरचेंज शुल्क में बदलाव हो सकते हैं। बिहार के बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में चोरी का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि मंदिर में चोरी किसी और ने नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु ने की, और उसका महाबोधि मंदिर में चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के गर्भगृह से पैसों की चोरी करता दिखाई दिया। दरअसल महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे दान पेटी रखी गई है। यहां आने वाले श्रद्धालु दान पेटी में पैसे डालते हैं। बौद्ध भिक्षु ने इसी गर्भगृह में दान पेटी से रुपए चोरी किए। वायरल वीडियो में बौद्ध भिक्षु पहले दान पात्र से पैसे उठाकर गिनता हुआ दिखाई दिया और फिर चोरी के पैसे को अपने चीवर में रखता नजर आया। दान पात्र से पैसे चोरी करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध के पैर छुए और फिर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल गया। मंदिर के सीसीटीवी में चोरी करते दिख रहे इस बौद्ध भिक्षु का नाम धम्मिका बताया जा रहा है, जिसे बीटीएमसी यानी बोध गया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने ही नियुक्त किया है। महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और मंदिर की देखरेख के लिए बौद्ध भिक्षुओं को रखा गया है। बौद्ध भिक्षु के चोरी करने का वीडियो वायरल होने के बाद बोध गया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी कुछ देर के लिए पत्रकार की भूमिका में नजर आए और अपनी ही पार्टी के नेताओं से तीखे सवाल जवाब किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से कुछ तीखे सवाल पूछते नजर आए। कैंपेन में अच्छा क्या लगता है और खराब क्या लगता है? खराब तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और जो देश को खराब कर रहा है उसको रोकने के लिए हम करते, तो थोड़ा हमको एक आनंद मिलता है कि कम से कम हम देश के लिए काम कर रहे हैं। सवाल जवाब का ये सिलसिला होटल और पार्टी दफ्तर से लेकर कार के अंदर भी जारी रहा, और जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक की सड़कों पर निकले तो उन्होंने सिद्धरमैया से भी कुछ तीखे सवाल कर दिए, वो भी ऐसे सवाल जिनका जवाब आसान नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सवाल पूछा, जिसे सुनकर सीएम सिद्धरमैया भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राहुल गांधी के सवालों का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर राहुल गांधी भी गदगद हो गए।
सिद्धरमैया जी बताइए, सत्ता या विचारधारा? विचारधारा। विचारधारा व्हाई? बिकॉज आइडियोलॉजी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सिर्फ सिद्धरमैया ने ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सत्ता की जगह विचारधारा को ही महत्वपूर्ण बताया। सत्ता तो आती है और जाती है, लेकिन विचारधारा को कायम रखना ये बड़ी बात है, इसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है। I agree with both खड़गे जी एंड सिद्धरमैया। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट को लेकर काफी चर्चा हुई थी, इसलिए राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनने के पीछे की वजह का खुलासा भी किया। ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी एंड आई डोंट रियली केयर मच अबाउट क्लोथ, आई जस्ट प्रेफर इट सिंपल। राहुल गांधी जिस तरह से पत्रकार की भूमिका निभाते दिखे उसकी चर्चा देश भर में हुई और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी मुश्किलों में घिर गए हैं। अनिरुद्ध सिंह नाम के एक शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को विदेशी नागरिक बताकर उनके चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई और रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर से राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी। शिकायतकर्ता अनिरुद्ध सिंह ने जिन दो बिंदुओं पर सवाल उठाए उसमें राहुल गांधी को विदेशी नागरिक बताया गया, जबकि मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा का हवाला देकर उनका नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की गई। बड़ी बात यह है कि शिकायत मिलने के बाद रायबरेली की जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर और प्रशासनिक टीम नामांकन पत्र की जांच में जुट गई। वहीं शिकायतकर्ता को भी पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो उनका जो नामिनेशन पेपर रद्द होना चाहिए और मुझे लग भी रहा है। राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग क्यों की गई है, अब आपको इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, इसलिए वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, लेकिन अफजाल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया जिसके आधार पर राहुल गांधी चुनाव लड़ सके। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी अभी निर्दोष सिद्ध नहीं हुए हैं और निर्दोष सिद्ध होने तक राहुल के नामांकन को वैध कैसे माना जा सकता है। वहीं शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल खड़े किए और दावा किया कि राहुल गांधी ने साल 2006 में अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी और ब्रिटिश नागरिकता होने के नाते राहुल गांधी को भारत का संविधान चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी आपत्ति पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और जिला प्रशासन ने राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाकर सवाल जवाब भी किए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी का नामांकन खारिज नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज करने को लेकर जो शिकायत की गई उस पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने सभी दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शिकायत करने की जो समय सीमा होती है वो खत्म हो चुकी है। बगैर तथ्यों की बात को घुमाते फिराते जबरदस्ती समय खराब करने के लिए ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। पर्चा पहले भी वैध था और अभी भी वैध है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि नामांकन पत्र में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात पुलिस ने सूरत से सुहेल अबू बकर नाम के मौलाना को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। आरोपों के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर कई हिंदूवादी नेता थे और सूरत पुलिस ने आरोपी सोहेल को पुख्ता जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसके निशाने पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा, हिंदू सनातन संघ से जुड़े उपदेश राणा और एक निजी टीवी चैनल का मालिक था। पुलिस को आरोपी अबू बकर के मोबाइल फोन से कई अहम सबूत मिले हैं। इनको धमकी देने का और इनको टारगेट करने के लिए इनकी पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फोन से। पुलिस का दावा है कि आरोपी को पाकिस्तान और नेपाल से निर्देश मिल रहे थे, साथ ही हथियार खरीदने की बात कर रहे थे। इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूअस इनका जो टॉक हो रही है उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है। जो पुलिस के मुताबिक 27 साल का सोहेल सूरत के एक गांव में मदरसे में पढ़ाता था और 2 साल से पाकिस्तान और नेपाल के लोगों से लगातार संपर्क में था जिसे लाओस का सिम कार्ड मुहैया कराया गया था। इधर साजिश के तार खंगालने के लिए क्राइम ब्रांच ने जांच और तेज कर दी है और जिन लोगों से संपर्क में था पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। साथ ही शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए। पुलिस का दावा है कि आरोपी अबू बकर ने हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को धमकाया था।
शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने राष्ट्रध्वज से भी छेड़छाड़ की थी। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस देश से हथियार भी मंगवाने के लिए संपर्क किया था। वही इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मौलाना की गिरफ्तारी से जो खुलासे हुए हैं उसके बाद अब लोगों को सजग हो जाना चाहिए। भारतवंशी अभी भी चेतो, नरेंद्र मोदी देश का केवल पिछड़ों का नेता नहीं है, भारत के सनातन को भी उस ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा है। ऐसे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप जगें और इन लोगों को पहचानें।